मध्य प्रदेश के रीवा के कांग्रेस पार्टी द्वारा लक्ष्मण बाग में पहुंचकर मनाई गई बापू की जयंती आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सभी कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता द्वारा जयंती मनाई गई एवं बापू भवन पहुंचे। वहीं कांग्रेस द्वारा बताया गया कि बापू की अस्थि कलश रीवा में ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग में लाया गया था, जहाँ पर हम लोग बापू की जयंती मना रहे हैं और हर साल मनाते आए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। 2 अक्टूबर है और हम लोग पिछले 20 वर्षों से लक्ष्मण बाग में राम कीर्ति शर्मा जी के नेतृत्व में हर साल हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाते हैं। और गांधी जी ने ये बताया है सबको कि जब यहाँ पे अंग्रेज का शासन था, अंग्रेजी शासन लागू हुआ था, तो गांधी जी ने बहुत इसमें भूमिका निभाई और देश को आज़ाद कराया। और हमारा तो मानना है, लोग अगर मानने लगे बापू जी की, गांधी जी की बताए हुए रास्ते पर अगर चले, तो इस देश में आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छे से गांधी जी से प्यार करेंगे, उनकी फोटो से प्यार करेंगे। और गांधी जी देश में बहुत योगदान दिया और पूरे देश को बचाया अंग्रेजी शासन से। धन्यवाद। जय। नाम और पद बता दें। शहीद मिस्त्री, पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष, वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री देश के लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मना रहे हैं यहाँ। ये ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर बापू जी का अस्थि कलश आया था और हम लोग निरंतर मना रहे हैं उनका जन्मदिन यहाँ आकर जयंती। साथ ही यहाँ पर जो महात्मा हैं, संत हैं, उनका मार्गदर्शन हम लोग लेते हैं कि उनके जीवन पर उन्होंने प्रकाश डाला, हमको बताया कि बापू कैसे थे, उनके विचारधारा को अवगत कराया। साथ ही हम लोग भी आज आने वाली युवा पीढ़ी को गांधी जी के विचारधारा को अवगत करा रहे हैं कि उनकी विचारधारा में चल के सभी युवा, देश के नौजवान साथी, देश में सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए देश हित के लिए, जनहित के लिए काम करें और हमेशा बापू के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लें। नाम और पद बताएं। रामकी शर्मा, यूथ कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष रीवा। आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं लक्ष्मण बाग में। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 2 अक्टूबर जयंती दिवस के अवसर पर हम कांग्रेस के लोग और हमारे युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई रामकीर्ति शर्मा जी का ये आयोजन लगभग कई वर्षों से यहाँ पे हम लोग करते आए हैं। चूँकि ये एक ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पर हमारी ये जो पावन धरती और मंदिर के साथ साथ लक्ष्मण बाग का जो मंदिर है, इसके साथ साथ इस यहाँ पे बगल में हमारा बापू भवन है। इस बापू भवन में इसकी ऐतिहासिकता ये है कि बापू जी की यहाँ पर अस्थि कलश यहाँ पर आया था, दर्शनार्थ रखा गया था कुछ समय के लिए, तो इसलिए भी यहाँ पे ये बापू भवन का निर्माण है। हम लोग यहाँ पर आकर उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पर पहुँचे हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं। चूँकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो आज़ादी का समय रहा हो या उसके बाद तक। हमारे महाराज अभी थे, वो बता रहे थे कि किस निर्मम तरीके से उनकी हत्या हुई और किस हालात में उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके मार्गदर्शन में, उनके बताए रास्ते पर चलें और इस देश को और विकास की ओर ले जाने के लिए, एक सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए हमको इस बात की आवश्यकता है कि हम महात्मा गांधी के आदर्शों को अपने ऊपर ढालें, उन पर चलने की कोशिश करें। नाम और पद बता दीजिए। वसीम राजा, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी।